Yes, we are आ है, बट उस पर डिटेल्ड चर्चा हम बाद में करेंगे भी तो पहले ये भी वेरीफाई करना बाकी है ऑफिशियल कितना है वैसे तो जहां तक ऑफिशियली है अभी उदय सर ने भेजा मुझे तो उसपे चर्चा डिटेल में कल करेंगे शांति से अभी रात आप आराम से पढ़ाई करके गुजारो है ना और ये बहुत ही सुनहरा मौका है क्योंकि टीचिंग में वो हालत नहीं है कि लाइक अदर एग्जाम्स के कुछ फिक्स हो कि हर साल वैकेंसी आनी है कब आनी है ये बड़ी दुखद बात भी है बट हाँ हर साल कोई ना कोई वैकेंसी आती रहती है अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो के वी एस अपने आप में बहुत दिनों बाद आया अगर आ गया है फाइनली तो खैर इस पर चर्चा बाद में करेंगे अभी सीटेट पर चर्चा करते हैं आज पर्यावरण अध्ययन यानी एनवायरमेंटल स्टडीज एनवायरमेंटल साइंस नहीं है फर्स्ट टू फिफ्थ तक एनवायरमेंटल स्टडीज कहा जाता है और फर्स्ट सेकेंड क्लास में हम अलग से बुक या ईवीएस पढ़ाते भी नहीं है मैथ्स और लैंग्वेज के थ्रू पढ़ा देते हैं चलिए खैर स्टार्ट करते हैं पहला सेशन है ऑनलाइन एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए पूछे जा सकते हैं सिलेबस वही है एनसीईआरटी से क्वेश्चन है पेडोगलॉजी के बेसिकली लाइक like, तो खैर आप कर देंगे पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा इसके अलावा बाकी चीजें भी इंपॉर्टेंट टेलीग्राम चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है इसके अलावा आज हम कुछ थर्टी क्वेश्चन करेंगे तीस नंबर का ईवीएस आपका आता है इस तीस में से पंद्रह से बीस नंबर की एनसीआर और नेक्स्ट पंद्रह नंबर कई बार बारह नंबर बट हाँ पंद्रह नंबर की एनसीआर ऑलमोस्ट रहती है फिक्स तो पंद्रह पंद्रह का ये पेडेगोजी पंद्रह नंबर की और पंद्रह का आपका ईवीएस जो कि फर्स्ट 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 टू 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 फिफ्थ 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 भी नहीं थर्ड क्योंकि सेकंड में ईवीएस की कोई टेक्स्ट बुक होती नहीं है एनसीआर की अगर हम बात करें तो so, स्टार्ट करते हैं सभी को गुड इवनिंग नमस्कार राम राम सत सत्शुम वॉट फील कनेक्टेड विद स्टार्ट करेंगे समझेंगे चीजों को और मैं एकदम चंपू बनी हुई हूँ बट आपको चंपू से क्या लेना देना आपको तो पढ़ने से लेना देना है जो कि हम मस्त पढ़ेंगे ही ठीक चलिए आ जाइए स्टार्ट करते हैं और जादू दिखाएंगे आज आपको हम अपना जादू का पिटारा लेके आए हैं ये हम बाद में बताएंगे चलिए खैर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए मजे से बहुत रिपीट होते हैं इसमें क्वेश्चन क्योंकि एनसीईआरटी में लिमिटेड चैप्टर्स हैं आप कहां से बना दें वो अलग बना दें दुनिया से नहीं बनाएंगे ठीक तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है फर्स्ट पेड बैच में पेडागोलॉजी कब स्टार्ट मैथ एंड इंग्लिश हो जाएगी आई थिंक उदयसर से बात हो गई है तो वो हो जाएगी एक दिन में तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके आपके सामने सामने आप पोल भी आपके सामने है, पोल भी है में जवाब देंगे क्वेश्चन है कुडुक इज द पीपल मैं आपको एक एक क्वेश्चन बताऊंगी कितनी बार रिपीट हुआ है 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 ना कुडुक इस पर पहले भी क्वेश्चन आ चुका एनसीआरटी में हम पढ़ते भी हैं कुडुक क्या है लैंग्वेज है भाषा है कहाँ के लोगों की याद कीजिए जरा फटाफट से बताइए अलग अलग जगहों की भाषाओं पर चर्चा हम पहले कर चुके हैं प्रीवियसली बताइएगा समझेंगे चीजों को उससे पहले तू आए हाँ ये फालतू फालतू बातें तो मैं इतनी बढ़िया कर लेती हूँ ये नाइनटीज के गाने मेरे दिमाग से उतरे नहीं है देखिएगा अगर हम बात करें ये अटक क्यों गया अगर हम बात करें है ना लाइक शेयर आप करते रहिएगा शेयर कर दीजिए उन लोगों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं कुड़ुक की अगर हम बात करें तो कुड़ुक है झारखंड की भाषा ना तो ये असम की भाषा है ना अरुणाचल ना, ना मिजोरम ये है क्या झारखंड की भाषा है झारखंड में रहने वाले लोग कुड़ुक भाषा बोलते हैं ये हमने एनसीआरटी में पढ़ा हुआ है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है

घर है एक्स पर स्थित ठीक और योर हाउस इज लोकेटेड एट एक्स तो पॉइंट एक्स है जहां पर आपका घर लोकेटेड है निवास है आपका ठीक एंड योर स्कूल इज लोकेटेड स्कूल कहां है सरकार वाई लोकेशन पे दोनों ऑपोजिट हैं ऑल दो योर स्कूल इज जस्ट ऑपोजिट बट यू कैन नॉट गो स्ट्रेट मतलब ऐसे हैं तो आप ऐसे नहीं जा सकते आपको पूरी दुनिया घूम के जाना पड़ेगा है ना सात समुद्र पार करके जाना पड़ेगा स्कूल <laughs> तो देखेंगे कैसे कैसे जाएंगे क्योंकि उनको भेजना नहीं है ना फिर आपकी रीजनिंग कैसे चेक करेंगे अगर सीधा स्कूल भेज दिया तो मजा कहाँ आएगा है ना तो योर स्कूल इज जस्ट ऑपोजिट बट यू कैन नॉट गो स्ट्रेट बिकॉज ऑफ के बिजी हाईवे हाईवे है बीच में सो यू आर फर्स्ट सो यू फर्स्ट गो हंड्रेड मीटर ड्यू नॉर्थ तो आप मान लीजिए खुद को यहाँ एक्स पे खड़े हुए हैं और आप अब क्या जाएंगे अब ऑपोजिट तो जा नहीं सकते ऑपोजिट इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है तो आप जाएंगे नॉर्थ में नॉर्थ हमें पता है ऊपर होता है बेसिक दशाओं का ज्ञान हमें है ठीक नॉर्थ ऊपर है हंड्रेड मीटर चले गए दौड़ लगाते हुए और फिर उसके बाद क्या हुआ देन क्रॉस मीटर सब वे विच इज ड्यू वेस्ट तो वेस्ट में पश्चिम में क्या है पश्चिम में बोलते हैं ना वेस्ट को आ, पश्चिम में क्या है आपका पिछहत्तर मीटर आप वॉक किए तो इधर ईस्ट होगा हम जाएंगे वेस्ट की तरफ यहां से वेस्ट में गए कितना पिछहत्तर मीटर सेवन मीटर वेस्ट में चले गए हम ठीक फिर अब क्या करें फाइनली रीच योर स्कूल एट वाई

इधर तो ईस्ट ही है ना डायरेक्शन अगर हम ऐसे देखें तो ईस्ट है कितने मीटर होगा ये पचहत्तर मीटर का गैप है बीच में तो सेवनटी फाइव मीटर ईस्ट ठीक है ना बिल्कुल क्लियर है कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई दर्द कोई समस्या कहीं कोई दर्द हो क्या कोई कह रहा है आप मैथ्स और रीजन में पढ़ाओ जमाने हो गए यार मैथ्स मुझे पढ़े हुए अब तो ऐसी बातें करो ही मत ये थोड़ा बहुत काम चल जाता है इतना आता है या चल जाता है कुछ भी कह लो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर सेवनटी फाइव मीटर ड्यू ईस्ट यानी पूर्व की तरफ आपको जाना है पचहत्तर मीटर ये बेसिक ज्ञान हमारे दिमाग में होना चाहिए कि ये नॉर्थ होता है जिसको हम उत्तर कहते हैं साउथ जिसको हम दक्षिण कहते हैं ईस्ट यानी पूर्व और वेस्ट यानी पश्चिम ठीक है कोई दिक्कत परेशानी चलिए और ये इसके बीच में नॉर्थ ईस्ट फिर साउथ ईस्ट ये सब छोड़ देते हैं आगे बढ़ जाते हैं इसी बात पे क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए एक और ऐसा ही गणित का सवाल कह लीजिए आप इसको या टाइम टेबल वाला सवाल कह लीजिए डिस्टेंस वाला सवाल कह लीजिए जो कि आता ही है आता ही है क्या कह रहे हैं अच्छा इनको मेरी वॉच को मेरी ही साउंड जो है बहुत ज्यादा डेसिबल पे लग रही है तो बताओ हद हो गई मतलब क्या ही करें अब देखिएगा एक बार फटाफट से बताइए डीएलएड की हूं और ग्रेजुएशन भी कंप्लीट है क्या पेपर टू भर दो भर दो भर दो तबस्म क्योंकि कई बार कई जगह पर अलग अलग स्टेट में अलग अलग एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया होते हैं तो उस केस में आप भर दीजिए कोई दिक्कत नहीं पेपर वन पेपर टू क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए और जवाब दीजिए जवाब दीजिए आ ट्रेन एक रेलगाड़ी है स्टार्टेड फ्रॉम नागर नागर नागरकॉयल से शुरू हुई फिफ्थ जून 2020 को अब से दो साल पहले सुबह के चार बज के पंद्रह मिनट पे भाई 24 फोर आवर टाइम फॉर्मेट जो है इनका होता है 24 घंटे वाला जिसमें 12 के बाद एक नहीं बजता 12 के बाद 13 बजते हैं ठीक तो ये जो बात है हमारी सुबह के चार बजे भाई सिंपल है ना 24 फोर आवर फॉर्मेट में चार पंद्रह लिखा है यानी सुबह के ही चार होंगे तो ये सुबह के चार बजे गाड़ी चलती है एंड रीच गांधी धाम जो कि गुजरात में है हमने पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी में तो गांधी धाम पहुंचती है कब सात जून को यानी दो दिन बाद कब सुबह के सवा तीन बजे यानी कि वो पूरा राउंड फिगर नहीं हुआ तो पांच जून से चली छह जून तक सुबह सवा बजे तक चौबीस घंटे हो गए छह जून से सात तक चली सुबह सवा चार की जगह सवा तीन तक गई तो 48 घंटे में एक घंटा कम है बस सैंतालीस घंटे चली गाड़ी आपकी और कितने डिस्टेंस कितना कवर किया 2640 किलोमीटर तो टीडीएस से हम याद करके रखते हैं और वो टीडीएस क्या है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड ठीक तो अगर हम बात करते हैं। उल्टा कर दिया शायद मैंने टाइम को नीचे रखेंगे डी होता है जो भी है तो हमारे पास डिस्टेंस क्या है छब्बीस और घंटे लगे हैं हमारे फोर्टी सेवन इतना हमें पता है तो ये डिस्टेंस हो गया और ये टाइम हो गया एस डी टी होता था, था जिसको हम याद करते थे तो स्पीड हमें पता लग जाएगी कितनी रही होगी एस डी टी टी डी एस नहीं एस डी टी तो अगर हम बात करें स्पीड निकालेंगे यहां हम देख रहे हैं सब में फाइव है यानी अगर हमें फोर्टी सेवन का टेबल नहीं आता होगा ऐसा मैं मान ही लेती हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं आता बट मेरे में इतना कॉमन सेंस है कि हमें पता होगा कि भैया फाइव जा ही होगा ये है ना पंजे ही होगा तो सैतालीस पंजे अगर हम करेंगे, तो दो आ जाएगा और फिर उसके बाद कट करें करेंगे तो 234 और टू नाइन्टी का मतलब है कि हमें छह पे ही जाना पड़ेगा चार पे नहीं जा सकते दो पे नहीं जा सकते क्योंकि सैंतालीस पंजे में हमने क्या किया था दो लगे थे तो हमें उससे ज्यादा ही चाहिए तो ये कॉमन सेंस है सिक्स ही आएगा इसके बाद तो फिफ्टी समथिंग आ रहा था मैं कैलकुलेट करके देखा था जब तो आंसर हो गया आपका सी ऑप्शन ये तो बेसिक गणित है बेसिक ठीक आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फोर पर अब इस तरह का कोई और सवाल मेरे ख्याल में नहीं है ये सेट जब मैं देख रही थी बताइएगा एक बार क्वेश्चन नंबर है फोर मजेदार क्वेश्चंस द बेस्ट पीरियड फॉर द पीपल ऑफ बिहार बिहार के लोगों के लिए मस्त मौसम कब होता है मधुमक्खी पालन का बी कीपिंग का बताइएगा ये भी आपकी एनसीईआरटी में गिवन है और ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है हम कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है लगभग हर बार या पता नहीं कितनी बार जब से मैंने सीटेट देना शुरू किया था बचपन में 2014-15 की बात है 14 में फर्स्ट ईयर में दे दिया था हाँ तब से आज तक ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है टाइम एंड अगेन ठीक है जी कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए नहीं हो तो भी बता सकते हैं आप बट अभी तो आपको जवाब देना पड़ेगा मतलब आपने बीच में But, बट अब तो डिग्री एक साथ है। भर दो यार भरने में क्या जा रहा है पहले से गारंटी तो अभी कोई नहीं दे सकता बट हाँ आपको एक साथ नहीं करने चाहिए थे ऐसा कई लोग करते हैं हम लोग बारह हजार लोग जुड़ चुके हैं और लाइक किया है सिर्फ चार हजार थ्री पॉइंट नाइन के लोगों ने तो ये बहुत ही नाइंसाफी है मेरे आंसू आ गए ये कैंडिडेट्स के लिए ग्रेजुएशन में पांच परसेंट रिलेक्सेशन है क्या मैंने बी किया है हाँ हाँ होगा होगा और देख लो एक बार चलो आगे बढ़ते हैं इतनी बात है आगे बढ़ेंगे बहुत सारी बातें हम कर चुके हैं अब और बातें नहीं करेंगे तो इसका सिंपल आंसर है अक्टूबर टू

एनसीआरटी में जिसमें बात क्या होती है जिसमें बात यह होती है कि आप कुछ तो एक जगह से दूसरी जगह चिपक के फर के थ्रू जानवरों के इस तरह की एक स्टोरी है है ना तो वो उससे आइडिया आया एक व्यक्ति को जिनका नाम जॉर्ज मेस्टल था आंसर मिल गया होगा आपको अब तक तो जॉर्ज मेस्टल को आइडिया आया उन्होंने उनको स्टिक करके एक ऐसी चीज बनाने का प्रयास किया जिसको हम बेल्ट में जो हम सैंडल्स बोलते थे जिनको आजकल हम और कुछ भी बोलने लग गए थे और इस तरह के चीजों में चीजों को आपस में चिपकाने के लिए वेलक्रो का यूज करते हैं ये वेलक्रो है आवाज करता है बहुत इरिटेटिंग है ना चिपक जाता है एक दूसरे से तो ये है वेलक्रो आपका देख पा रहे होंगे आप नहीं देख पा रहे हैं तो देख लीजिए इससे ज्यादा पास हम आकर नहीं दिखा पाएंगे खैर छोड़ दीजिए इस बात को ये माइक रखने के लिए है तो माइक इसमें से गिरता नहीं है क्यों क्योंकि जॉर्ज मैस्ट्रल की बदौलत हमें क्या मिल गया था वेलक्रो मिल गया था तो हमने इसको ऐसे चिपका दिया ठीक आप अपने टूटे हुए दिल को नहीं चिपका पाएंगे ये बहुत ही विडम्बना है वेलक्रो वहां यूज नहीं हो पाएगा देखिएगा अगर हम बात करें तो ये जॉर्ज मैस्टल का जवाब होगा इसका सही आंसर एनसीआरटी में इन पे स्टोरी है कि कैसे इन्होंने देखा नेचर में जो कुछ बीज हैं वो स्टिक कर जाते हैं इस तरह की एक स्टोरी है ये जॉर्ज मेंडल जो हैं वो पी मटर वाले हैं है ना फादर ऑफ हेरिडिटी कहते हैं इनको रोनाल्ड रॉस वो मच्छर वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने मलेरिया के बारे में पता लगाया था एनसीआरटी में कहानी है इनकी इजाक ऐसी मोफ्त हमारा कोई फोकस नहीं है ठीक है आगे बढ़ेंगे

की बात पूछेगा कि अच्छा ये नॉर्थ में है साउथ में है नेबरिंग स्टेट कौन से हैं तो मैप अपने घर में लगा लीजिए में लगा लीजिए सामने स्क्रीन पे लगा लीजिए फोन पे लगा लीजिए ताकि मैप में दिखता रहे कि जम्मू एंड कश्मीर के बराबर में ये है पंजाब यहाँ है उत्तराखंड यहां है तो थोड़ा सा आइडिया रहेगा तो अगर हम बात करें तो भारत में कौन सा भारत का संघ या केंद्र शासित शासित प्रदेश है बताइएगा आज लाइव देख रही हूँ बहुत टाइम के बाद बेबी हुआ है तब से टाइम नहीं मिला आकांक्षा आप बहुत बढ़िया करोगे जीवन में मुझे याद हुआ आप, आप पहले बहुत कमेंट करते थे ठीक है ना बहुत अच्छा करोगे आपका जो बच्चा है वो हेल्दी हो देखिएगा और आपसे इंस्पायर्ड रहेगा क्योंकि आप इतनी मेहनती हैं देखिए अगर हम बात कर रहे हैं यूटी की तो इनमें से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश जी नहीं मणिपुर नहीं मेघालय नहीं ये सब स्टेट्स हैं यूटी जो है वो जम्मू एंड कश्मीर है पहले नहीं हुआ करता था अभी जब ये आ, और ये सारी चीजें हुई तब जाकर के जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये यूटी बन गए ठीक है ना तो उस केस में ये हमें याद रखना है कि भारत में अट्ठाईस प्रदेश हैं, ट्वेंटी एट स्टेट्स एंड एट यूनियन टेरिटरीज ठीक जहां पे स्टेट और सेंट्रल uh, गवर्नमेंट दोनों ही काम करती हैं तो एट यूटीज हैं है, जिसमें लेह लद्दाख हुआ लेह हुआ लद्दाख हुआ जम्मू एंड कश्मीर हुआ दिल्ली है चंडीगढ़ है दागर दमन दा, नागर हवेली जो भी है वो, वो सब थे, ठीक चलिए खैर आगे बढ़ते हैं तो ये आंसर डी ऑप्शन था क्योंकि ये जो चेंजेस हुए हैं उसके बाद से इस तरह के क्वेश्चन इन्होंने और पूछे हैं ताकि आप कंफ्यूज हो क्वेश्चन नंबर सेवन देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेवन देखिएगा क्या कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ आर कंट्री हैज माइंड ऑफ एल्यूमिनियम देखिए अल्यूमिनियम को बहुत प्यार करते हैं कौन सीटेट वाले या सीबीएसई वाले तो ये अल्यूमिनियम पे हर बार एक क्वेश्चन डाल देते हैं कभी के ये अल्यूमिनियम किसका मिक्सर है हाँ दादर, दादर नगर हवेली बिल्कुल तो अगर हम बात करें कि ये किसका मिक्सचर है कौन सा इस किस धातु से मिलकर बनाया एल्यूमिनियम पाया जाता है ये आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन होता है एनसीईआरटी में आपको रेयर ही मिल पाएगा ठीक तो इस केस में ये आपको थोड़ा अक्कड़ बक्कड़ वो या फिर एल्यूमिनियम के बारे में सब कुछ पढ़ लीजिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछा है ठीक तो एल्यूमिनियम कहां मिलेगा माइन्स कहां पर मिलेंगी असम बिहार वेस्ट बंगाल जी नहीं ओडिशा और ओडिशा में इक्यावन परसेंट यानी हाफ जितना टोटल कंट्री में मिलता है उसका आधा ओडिशा में मिल जाता है

क्वेश्चन ऑफ सीटेट ब्रेल से इतना प्यार है इनको कि सीडीपी से भी रिलेटेड है और यहां से भी ब्रेल स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं इन ब्रेल स्क्रिप्ट रोज ऑफ रेज्ड डॉट्स आर मेड ऑन अ थिक पेपर दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन यानी कि जब हम ब्रेल लिपि की बात कर रहे हैं तो ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं ऐसे डॉट छेद कर कर इस तरह से बनाए जाते हैं तो वो डॉटेड होते हैं जिनको आप वो बच्चा जो विजुअली इंपेयर्ड है या ब्लाइंड है जिसको दिख नहीं सकता है, या कम दिख पाता है वो टच करके या फील करके पढ़ सके तो ये कितने डॉट पे बेस्ड होती है वो जो डॉट्स हैं जो उभार, उभार करके बनाए गए हैं वो कितने डॉट्स होते हैं नंबर ऑफ डॉट्स ये बहुत बार पूछा गया है बहुत बार तो ये जो रोज है उनमें डॉट्स आर मेड ऑन अ थिक पेपर दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन कितने डॉट्स पर बेस्ड है तो कई लोग इसका आंसर एट कर देते हैं बट वो गलत हो जाएगा सिक्स डॉट्स बेस्ड है ऐसी कुछ ये दिखती है है ना और इस इन सिक्स डॉट्स का ही यूज करके लेटर्स फॉर्म किए जाएंगे मान लीजिए ए बनाना है जो भी उस भाषा में बनाना है और इसका जो इजाद किया ब्रेल लिपि को जो इन्वेंट किया वो एक व्यक्ति थे बेसिकली पंद्रह साल के बच्चे थे लुई ब्रेल अपने फादर के इंस्ट्रूमेंट्स के साथ खेलते खेलते इनकी आंखों को नुकसान पहुंच गया था तो ये ब्लाइंड हो गए थे और ये फ्रांस से थे पेरिस में इन्होंने इसको इजाद किया 1824 में जब ये 15 साल के थे और बाद में इन्होंने एक बुक भी लिखी इस पर बेस्ड पांच साल बाद अठारह में बट इतना हमें डिटेल में क्यों ही जाना है एनसीआर में इनकी कहानी पूरी दी हुई है, काम चल रहा है, नोट्स पे। तो है। लुई ब्रेल ने दी थी लुइस ब्रेल भी कह सकते हैं आप भारतवर्ष में क्वेश्चन नंबर नाइन देखिएगा एक बार प्यारा सा सवाल है क्या कहता है मेनी स्टेप्स आर नीडेड टू ग्रो यूनियन यूनियन है ये पेपर में भी यही दिया हुआ था मैं बड़ी शौक हुई थी देख के

तो इस केस में आपको हिंदी में पढ़ लेना चाहिए अगर आपको इस तरह की कन्फ्यूजन हो कि प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं नीचे दिए गए चरणों में विचार कीजिए कौन सा क्रम सही होगा प्याज उगाने के लिए कभी उगाई है प्याज है ना सुबह से ना प्याज बिकी है ना आलू कौन सा है वो कोई तो मूवी ना वेलकम उसका बड़ा डायलॉग फेमस फेमस है कांदा या कुछ तो बोलते हैं लोग मुंबई में चलो खैर हमें तो स्टेप से मतलब है किसी ने खेती की हो खेती करते हुए तो मृदा को खोद नरम बनाना पहला स्टेप होना चाहिए बिल्कुल सही बात है फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए कि आप मृदा को खोद नरम बनाएंगे भाई पहले डिग तो करेंगे ना कुछ भी अगर उसमें उवाना है तो आप उससे पहले डिग करेंगे खेत भी क्या करते हैं डिग किया जाता है या नॉर्मल जुताई बोलते हैं वेस्टर्न यूपी में तो पहले होगी ठीक है कटिंग द द द ड्राइड फ्रॉम टॉप ऑफ अनियन यानी प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटना ये ऐसा नहीं हो गया कि नीव बनाई नहीं और फोर्थ फ्लोर पर डायरेक्ट पहुंच गए है ना कि फोर्थ फ्लोर डायरेक्ट बना दिया और नींव नहीं है तो ये तो बेकार की बात होगी पहले अनियन बड़ी तो हो उगाई तो जाए तब तो उनको अलग करोगे ड्राइड लीव से तो ये तो हवा की बातें होगी इसको हटा देते हैं अभी के लिए Sowing of seeds, हाँ जब आपने ये मिट्टी को खोदा था उसके बाद आप क्या करेंगे बीज बोएंगे तब तो काट पाएंगे ठीक तो सेकेंड स्टेप हो गया वीडिंग जो भी एक्स्ट्रा फसल है उसको हटा देंगे तो ये फसल नहीं बेसिकली खरपतवार जिसको बोलते हैं वो जो घास फालतू की उगाती है तो ये थर्ड स्टेप हो गया plucking द अनियन आउट ये फोर्थ स्टेप हो गया हाँ भैया निकालेंगे फिर उसके बाद कहीं जाके हम ये कट करेंगे जो उसके ऊपर का होता है ना प्याज कभी देखिए हो तो ऊपर से हटाना होता है ठीक तो ये कहानी सही है फर्स्ट स्टेप हमारा ए ही रहेगा सब में ए है कैसे पहचाने सेकेंड स्टेप हमारा सी है तो सी ये दोनों ऑप्शन हट गए यहां पे भी है ए में और सी में भी है फिर उसके बाद थर्ड स्टेप हमने कौन सा समझा था वीडिंग तो डी कहाँ है यहां है तो आंसर हो गया आपका सी ऑप्शन ठीक आप थोड़ा जल्दी भी कर सकते हैं पेपर में मुझे तो मजे लेकर के करना है ताकि आपको समझ में आ जाए चीजें ठीक है ना तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन देखिएगा क्वेश्चन नंबर टेन क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर टेन कह रहा है देर इज अ प्लेस इन आर कंट्री कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट ये भी क्या है MF है है बोले तो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन किसका सीटेट का क्यों क्योंकि कोल्ड डेजर्ट इतनी बार पूछ चुका है कि अब तो सपने में भी कोल्ड डेजर्ट आता है है ना वैसे भी कोई हरी भरी जिंदगी है नहीं तो कोल्ड डेजर्ट आता है सपने में भी दिस एरिया इज हाई ड्राई एंड फ्लैट यानी एक तो ये ऊंचाई पर है ड्राई है मतलब सूखा है और फ्लैट है ठीक और कोल्ड भी है तभी तो कोल्ड डेजर्ट कह रहे हैं ना हम तो इस केस में हमारे देश में एक स्थान है जैसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है यह क्षेत्र ऊंचा सूखा और समतल है लेह लद्दाख क्या है यह लद्दाख दार्जिलिंग कहां से सूखा है इतनी बारिश होती है शिलोंग मेघालय बारिश होती है भर भर के कहां से सूखा है यह शिमला चले जाओ कभी मिलेगी बारिश बर्फ सब मिल जाएगा ले लद्दाख जो है वो सूखा है कोल्ड डेजर्ट इसीलिए कहते हैं डी ऑप्शन इज द राइट आंसर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर इलेवन पर क्वेश्चन नंबर इलेवन देखिएगा और फिर बताइएगा कि क्या विचार हैं आपके इस सवाल के बारे में एक क्वेश्चन ये जड़ों पे भी आता ही है कि किन की किन में बीज होते हैं किन फलों में या सब्जियों में किन में नहीं होते हैं ठीक अफरोजा क्या पूछ रहे हो 2021 में पेपर वन क्लियर किया था ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड कैटेगरी दिया था कहीं पर प्राइमरी लेवल पे अप्लाई करना समय, है समय है डीएलएड एट सी दे सकती हूँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप जहां भी डीएलएड दिखाओगे वहां ग्रेजुएशन क्यों दिखाओगे जरूरत ही नहीं पड़ेगी कोई दिक्कत नहीं है दो हजार इक्कीस में किया था तो नो no इशू कोई दिक्कत नहीं ऐसा लगता है आप लोग काश् मेरे सामने होते कई बार पढ़ के मुझे ही अपनी मर्जी से, से सेंस बनाना पड़ता है क्या कैसे लिखा है इतने खतरनाक तरीके से लिखते हो कई बार तो बताओ फटाफट से जल्दी बताइएगा इससे पहले कि आप गलत जवाब दें मैं इधर आ जाती हूं अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर इलेवन की तो फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रूट्स कुछ फल दिए हैं And vegetables, कुछ सब्जियां हैं. Select those which have seeds inside. उनको select करना है जिनमें बीज पाए जाते हैं Common sense का है, है है ना? ना? में आसपास फल, सब्जियां ये सब तो देखी होंगी, या नहीं तो गर्ड उसके अलावा ककम्बर फिर चीकू लेडी फिंगर अनियन पियर और पोटैटो और टोमेटो अच्छा जी ठीक है इनमें से किस किस में बीज पाए जाते हैं अनियन में तो बीज नहीं पाए जाते मेरे मेरी नजर में ज्यादा मुझे एक्सपीरियंस तो नहीं है खाना या सब्जी बनाने का बट इतना मैं कह सकती हूँ चीकू में भी पाए जाते हैं खाते समय आते हैं पटेटो में भी कौन से बीज होते हैं हमने तो नहीं देखे आज तक ठीक इसमें पेयर में, में पाए जाएंगे नाशपाती में मिलेंगे खीरा करेला चीकू भिंडी ऐसा लग रहा है हम सब्जी मंडी आ गए हों तो यहाँ पे अगर हम आलू को हटा दें और प्याज को हटा दें तो सब में बीज मिल जाएंगे तो जहां पे भी आलू और प्याज है उसको हम हटा देंगे अनियन ये ऑप्शन गलत हो जाएगा कहीं प्याज दिख रही हो किसी को आलू दिख रहा हो ये पोटैटो है तो ये ऑप्शन भी हट गया बिटर गार्ड गार्डर चीकू लेडी फिंगर पेयर और टोमेटो सही लग रहा है यहाँ पे पोटैटो है पोटैटो और अनियन जहां भी होगा वो ऑप्शन हम हटा देंगे क्योंकि उनमें बीज नहीं पाए जाते तो सी ऑप्शन इज दी ओनली राइट आंसर तो ये तरीका है कि हम एलिमिनेट करके बहुत सारे आंसर तक पहुंच सकते हैं है ना एलिमिनेट करके बहुत सारे आंसर तक पहुंच सकते हैं कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके सी ऑप्शन इज द राइट आंसर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर है हमारा ट्वेल्व कोई कह रहा है नाइन का ए होगा हमने क्या बताया हमने ई e बताया सही तो बताया ए ही तो बताया था सरकार या नहीं स्टेप में गड़बड़ कर दी थी क्या डिगिंग द हाँ ठीक है तो ए ही बताया था ना इसमें ए सी डी ई e, बी हाँ डिगिंग सोइंग प्लकिंग अच्छा ओके ओके प्लग करके उसके बाद ये करेंगे ना ठीक है ठीक है ए कर लेना यार इसको ठीक है इससे पहले कि आप लोग नाराज हो जाएं तो इसको आप ए कर लीजिएगा है ना चले आगे बढ़े या हो सकता है किसी ने गलत लिख दिया वो अपनी मर्जी से कह रहा हो क्वेश्चन नंबर इलेवन हो गया हमारा आप ट्वेल्थ पे चलेंगे देखिए प्यारा सा क्वेश्चन है बहुत ही सुंदर शानदार जबरदस्त इतने सुपर सेट करके क्वेश्चन पूछ रहे हो आप मुझे लग रहा है पता नहीं कितनी समस्या में हो है ना मैं ये क्वेश्चन आंसर का ही सेशन रख दूंगी ईवीएस छोड़ के अच्छा प्रीति ने कुछ पूछा ही नहीं है ऐसे ही पैसे लुटा रहे हैं चलो कोई बात नहीं धन्यवाद बाय वाइट टाइगर टीम कौन है इंसान कहाँ से आते हैं ये लोग चलिए आंसर कीजिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व का विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स लुक लाइक अ बेयर यानी एक भालू की तरह नजर आता है बट भालू नहीं है समझिएगा भालू नहीं है ठीक है गंगाधर शक्तिमान यहां नहीं है दिस एनिमल स्पेंड आवर्स अ डे सत्रह घंटे सोते हैं भाई साहब चौबीस घंटे में से देख रहे हो जिंदगी मजे हैं हैंगिंग अपसाइड डाउन ऑन अ ट्री ब्रांच है लीव द सेम ट्री अपसाइड डाउन यानी उल्टे सोते हैं है ना स्वैग है तो उल्टे सोते हैं भालू जैसे दिखते हैं भालू है नहीं सत्रह घंटे सोते हैं चौबीस घंटे में से जिस ब्रांच पे हम सोते हैं उसी की ब्रांच खा जाते हैं जिस ट्री पे सोते हैं याद आ रही है कुछ कहानी एनसीआर में बहुत बार पढ़ी है बहुत बार पूछा जा चुका है इस पर क्वेश्चन ये भी एम की कैटेगरी में आएगा यानी मोस्ट फेवरेट ठीक एंड ईट्स द द ऑफ सेम ट्री ठीक है द एवरेज लाइफ ऑफ दिस एनिमल भैया चालीस साल जिरे हैं थोड़ा बहुत भी नहीं और लगभग मुझे याद आ रहा है कि पांच साल तक एक पेड़ पे रहते हैं तो कुछ आठ पेड़ में जिंदगी निकल जाती है आप सोचते हैं दुनिया घूमेंगे आप हैं तो ये स्लोद है इनका नाम क्या है स्लौद है पांडा नहीं है ये स्लौद है

हाउसेस तो ये किस लोकेशन पे कैसे घर मिलते हैं वो आपको पहचानना है एनसीईआरटी में ये सारी कहानियां गिवन है अगर आप भूल गए हैं तो हम जल्दी ही एक सेशन रखेंगे जिसमें सारी एनसीईआरटी निपटा लेंगे दो घंटे चार घंटे छह घंटे या सौ घंटे समय की हमारे पास कोई कमी नहीं है, है ना अभी हमारे पास जीवन बाकी है ऐसा हम मान के चल रहे हैं ठीक चलिएगा बताइएगा आंसर अट्ठारह हजार लोग हम लोग जुड़े हुए हैं और लाइक कितने लोगों ने किया नौ हजार लोगों ने क्या फिफ्टी परसेंट लोग ऐसे ही मजे करने आते हैं कि कोई कहेगा हाँ आते हैं आपसे मतलब मुझे पता नहीं क्या हो जाता है रात तक आते आते चलो एक बार आंसर ये अटक के क्यों चल रहा है भाई हम्म अटक के क्यों चल रहा है आंसर करो फटाफट से वो भी पोल में देखू कितने परसेंट लोग सही उत्तर दे रहे हैं पता नहीं कितने परसेंट लोग दे रहे हैं मुझे खुद नहीं पता लॉग ही नहीं किया नया फोन है लॉग नहीं किया चलिए खैर कोई बात नहीं आगे बढ़ते हैं अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थर्टीन की तो असम में घर कैसे होते हैं याद कीजिए मेरी प्यारी प्यारी मेमरी स्मृति ये कह रही है कि असम के घर साढ़े तीन मीटर ऊंचे बनते हैं जमीन से यानी कुछ ग्यारह फीट ऊंचे बनते हैं क्योंकि वहां बारिश बहुत होती है बच्चे जो पहला ही चैप्टर है आपका गोइंग टू स्कूल एनसीआर थर्ड क्लास का तो वहां पे बच्चे जो हैं वो बैंबू के ब्रिज से और पता नहीं कैसे कैसे जाते हैं क्योंकि बारिश बहुत होती है तो असम के घर तो ऊंचाई पे बने होंगे कहीं एलिवेटेड हाउसेज मेड ऑन बैम्बू पिलर्स बिल्कुल सही बात है यानी मिट्टी के घर कंटीली झाड़ियों से बनी छत होती है ठीक है? कौन सी भाषा है ये हाँ 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 ठीक है ठीक है सेकेंड ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन है थर्ड है भैया बांस के खम्भों पर बने ऊंचे घर ये बात सही है जमीन से उठे हुए होते हैं साढ़े तीन मीटर की ऊंचाई होती है ठीक है ये भी बहुत फेवरेट है इसको भी आप एमएफ की कैटेगरी में डाल सकते हैं मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है सीटेट का बहुत बार स्कूल से क्वेश्चन आता ही है कैसे जाना है कैसे पहुंचना है और जगह से भी

तो बी का टू तो भैया सिर्फ सी ऑप्शन नहीं है है अब आगे क्यों चेक करें? हमें तो तो मिल गया अपना आंसर है ना तो ये तरीका है फंडा है एलिमिनेट करके आप निकाल सकते हैं क्योंकि बी का सेकंड कहीं नहीं है किसी ऑप्शन में तो सी ऑप्शन में ही है हालांकि फिर भी चेक कर लेंगे मनाली मनाली में होते हैं स्लोपिंग रूप्स आप तो जाते ही रहते होंगे घूमने है ना तो ये जो है जो घर है ये कॉलम इधर उधर कहां गया हुआ है पत्थर लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर थोड़े स्लोप वाले घर होते हैं मनाली में क्योंकि बारिश वगैरह भी है

ना क्योंकि अलास्का भी वो क्वेश्चन फिर उन्होंने घुमा के पूछा होगा क्योंकि अलास्का भी क्या है अपसाइड डाउन ही है हमारे इंडिया से अगर देखा जाए तो बताइएगा नौ बजे शुरू होती है जी क्लास बजे नौ बजे नौ बजे डेली नौ आपको आना है और हम मजे मस्ती में पढ़ेंगे जैसे जैसे पेपर आएगा पास हम स्ट्रेस नहीं लेंगे आर अर्थ इज राउंड लाइक अ ग्लोब यानी हमारी जो धरती है पृथ्वी है वो ग्लोब की भांति गोल है देर इज एक्चुअली नो अप और डाउन ऑन द अर्थ यानी कोई ऊपर या नीचे नहीं है गोल बेशक है लेकिन ऊपर और नीचे नहीं है कोई भी कोई भी जगह यह सब सापेक्ष रेलेटिव है रेलेटिव है ना हम रिलेटिव हैं एक दूसरे के ऐसा नहीं हो सकता कि ये यहां है कंट्री तो ये नीचे हो गया वी द पीपल ऑफ इंडिया क्योंकि ये गोल है क्या अर्थ वी द पीपल ऑफ इंडिया एक्चुअली स्टैंड ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ अपसाइड डाउन इन रिलेशन टू द पीपल ऑफ यानी हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हैं देखो बहुत बड़ी हिंट दी है इन्होंने इन्होंने क्या दी है हिंट दी है क्या हिंट दी है कि हम भारत के लोग India, earth, हम किसके नीचे की ओर वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष के पृष्ठ पे नीचे खड़े हैं कौन से लोग जिनके हम सापेक्ष हैं तो कौन सा देश नीचे हुआ हमसे मतलब जस्ट नीचे नहीं अपसाइड डाउन तो यहां है हमारा ये एशिया या कह लीजिए भारत और यहां कहीं है आपका ये अर्जेंटीना तो ये बिल्कुल ऑपोजिट पड़ जाते मतलब अपसाइड डाउन पड़ जाएंगे तो हम कहेंगे कि हम अर्जेंटीना के लोगों के क्या है अपसाइड डाउन है रिलेटिव पढ़ेंगे हम तो बी ऑप्शन इज दी राइट आंसर ये जितने भी लोग कह रहे हैं कि आप फीस लेंगे ये क्लासेस फ्री होंगी जो हम एक एक दो दो क्लासेस जितने भी अलग अलग सब्जेक्ट की तैयारी करने वाले हैं सब फ्री होगा पेड में मैं सिर्फ सी डी पढ़ाती हूँ मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है ईवीएस पढ़ाने की है ना ये सिर्फ आप लोगों के लिए मेहनत की जाती है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन देखिएगा क्वेश्चन नंबर समझते हैं। अगर हम बात करें, एक फार्मर है जो ज्यादा फसल उग जाए या मिल जाए उनको इसलिए वो क्या कर रहे हैं पेडी क्रॉप यानी सेम फसल बार बार उगा रहे हैं अब वो कोई भी क्रॉप हो अगर सेम फसल बार बार उगाई जाए तो एनसीआरटी में हमने पढ़ा है बंजर हो जाती है जमीन मतलब बैरन लैंड हो जाएगी और ऊपर से बहुत सारे फर्टिलाइजर का भी यूज कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स का भी यूज कर रहे हैं तो इससे क्या होगा वो बंजर हो जाएगी तो मोर यूजफुल फॉर द पैडी ओनली कुछ ऐसा मतलब नहीं फर्टाइल हो जाएगी बिल्कुल भी नहीं प्लफ और सो कर सकते हैं बहुत अच्छा हो जाएगा फिट हो जाएगी नहीं अल्टीमेटली अनफिट फॉर ग्रोइंग एनी क्रॉप भाई ज्यादा सेम क्रॉप उगाई अगर उन्होंने तो फिर कोई भी क्रॉप उगाने लायक वो जमीन बचेगी नहीं ठीक है ना बैरन लैंड हो जाएगी बंजर हो जाएगी जमीन ठीक है कोई दिक्कत परेशानी

मेन थीम नहीं है तो इस सिक्स में से फोर यहां नहीं मिल पाई सिर्फ फैमिली मिली सिक्स में से जो है फैमिली एंड फ्रेंड्स सही है फूड सही है वॉटर सही है ट्रेवल सही है तो यहां पे फैमिली एंड फ्रेंड्स फूड वॉटर एंड ट्रैवल फैमिली एंड फ्रेंड्स एक में ही आते हैं है ना तो चार थीम हमें यहां मिल गई है बी ऑप्शन में थिंग्स वी मेक एंड डू फूड मटीरियल्स एंड प्लांट्स ये मटीरियल्स एंड प्लांट्स जो है ये मेजर थीम में नहीं आते छे थीम के अंदर नहीं आते ये सब थीम है ठीक थीम के अंदर वाली थीम है वर्क एंड प्ले भी मेजर थीम नहीं है तो हमारे पास सिर्फ बी ऑप्शन बचता है परिवार और दोस्त मित्र भोजन पानी और यात्रा सिक्स थीम्स हैं टोटल अगर आपको वो पता होंगी तो आप आंसर तक हर हालत में पहुंच जाएंगे चाहे आपसे कुछ भी पूछ ले ये सिक्स थीम्स कौन सी हैं भैया एनसीईआरटी में गिवन सबसे पहले है फैमिली यानी परिवार फैमिली एंड फ्रेंड्स फैमिली एंड फ्रेंड्स ये वैसे हम कॉमर्स में यूज करते थे एंड आप कर लीजिए अभी क्या ही फर्क पड़ता है है आपको आपको कौन सा पेपर में लिख के आना फैमिली एंड फ्रेंड्स यानी परिवार और मित्र उसके बाद भी चाहिए, कहां रहें, है? पानी ना काम चल जाएगा, जाएगा छत चाहिए सर पे। ठीक भी चाहिए फिर अब आप कहेंगे यार घर तो हो गया आप थोड़ा घूमने का प्लान बनाओ वैष्णो देवी जाते हैं फिर आप सिक्स में क्या कहेंगे कि अब कुछ काम भी तो चाहिए यार करने को थिंग्स वी मेक एंड डू थिंग्स वी मेक एंड डू ठीक मेक एंड डू हिंदी और इंग्लिश मीडियम पे अटके मत रहिए ये मत सोचिए हाय रहिए फैमिली लिख दिया इंग्लिश में कैसे समझू परिवार कहते हैं ना, है ना बेसिक चीजें हैं आपके पेपर बायलिंगुअल आता है तो आप चेक कर सकते हैं बायलिंगली भी आपके समझ में आ जानी चाहिए चीजें पेपर में कुछ लिख के नहीं आ, आंसर वही होगा चार ऑप्शन में से बस आपको पहचानना है रिकोगनाइज करना है ठीक तो आपको समझ में अगर आ गया होगा आप रिकॉग्नाइज कर लेंगे पहला थीम क्या है फैमिली एंड फ्रेंड्स इसके कुछ सब थीम्स होते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अगर हमें सिक्स थीम्स पता होंगे तो हम सब थीम तक पहुंच जाएंगे समझे कि नहीं कुल्लू मनाली जाएंगे अच्छा वैष्णो देवी नहीं जाएंगे जोर से बोलो नहीं बोलेंगे फूड फैमिली एंड फ्रेंड्स यानी परिवार और दोस्त फिर हमें चाहिए खाना साथ में बैठ के खाने को फिर हमें फूड के बाद वाटर चाहिए हालांकि आधे घंटे से पहले नहीं पीना चाहिए बट फिर भी आप पी लीजिएगा फिर शेल्टर चाहिए रहने को फिर अब काम नहीं चल रहा ट्रेवल भी चाहिए घूमेंगे भी और थिंग्स वी मेक एंड डू कुछ तो काम करेंगे भी फैमिली एंड एंड फ्रेंड्स फ्रेंड्स फैमिली फूड थिंग्स मेक एंड डू चिल्ला चिल्ला के घर में सबको बता दीजिए कि हमने सिक्स थीम्स पढ़ी हैं और इसी पे पूरा सिलेबस आपका बना हुआ है एनसीईआरटी जितनी भी लिखी गई है इन्हीं सिक्स थीम्स के अराउंड लिखी गई है इन्हीं के सब थीम्स को यूज करके और सारी चीजें चलिए खैर आगे बढ़ते हैं अभी और भी अच्छे सवाल

ये थोड़ी बहुत मेहनत मैंने भी की है और थोड़ी बहुत मेहनत आप भी करेंगे और साथ में दोनों भाषाओं से सीख जाएंगे क्योंकि मैं पेडोलॉजी और एजुकेशनल साइकोलॉजी वगैरह डिस्कस करती हूँ तो उसकी जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स थी वो सब इंग्लिश में ही थी तो मैंने इंग्लिश में ही पढ़ी है वो तो इसलिए मेजर लैंग्वेज जो है फिर दिल्ली आके इतने साल इंग्लिश एंग्ल, मीडियम में ही पढ़ाई की तब बड़ी बैंड बजी तो हिंदी के गरीब मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ है ना और इस बात को ऐसे ना लिया जाए बट समय की दरकार है जरूरत है डिमांड है कि हम इतनी इंग्लिश समझ रहे हैं स्कूल में भी पढ़ाने जा रहे हैं अगर पांचवी तक के टीचर बनने भी कि हम बाइलेंगुल बात समझ तो एटलीस्ट ठीक है ना तो ऐसे नेगेटिवली नहीं लेना है किसी बात को क्वेश्चन नंबर सेवनटीन देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्या कहता है भाई ये कहता है वॉट आर दी गुड प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेगा पोर्टफोलियो पोर्टफोलियोर्टफोलियोजी का हिस्सा है चाहे वो CDP हो Hindi हो English हो हिंदी इंग्लिश पोर्टफोलियो क्या बच्चे के अच्छे कर्म अचीवमेंट्स उसकी कुछ स्पेसिफिक चीजें पोर्टफोलियो में होती है एक ऐसी फाइल जिसमें आपके सुंदर सुंदर कर्म होते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन है सेलेक्टिंग वर्क टू बी इंक्लूडेड इन द पोर्टफोलियो ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक रीजन देखो पूछा है गुड प्रैक्टिस ये नहीं पूछा बैड प्रैक्टिस यानी कौन सी अच्छी बातें पोर्टफोलियो बनाते समय जब आप बच्चों का पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो किन तरीकों का अपनाना अच्छा माना जाएगा पहला ऑप्शन है सिलेक्टिंग वर्क टू बी इंक्लूडेड इन द द पोर्टफोलियो ऑन बेसिस ऑफ स्पेसिफिक रीजन यानी एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना है ना कि आप स्पेसिफिक काम का चयन कर रहे हैं कि यह चीज पोर्टफोलियो में डाली जाएगी बच्चे के बारे में विशेष है तो जो भी विशेष बातें होती हैं वो हम पोर्टफोलियो में डालते हैं सारी बातें पोर्टफोलियो में नहीं डाली जाती है ना आप कोई मूवी भी देखते हैं मान लीजिए एम एस धोनी के ऊपर मूवी बनी तो ऐसा थोड़ी सारी चीजें जीवन की गई होंगी कुछ कुछ घटनाएं स्पेसिफिक घटनाओं को लिया गया होगा तो वो पोर्टफोलियो के जैसा है कि स्पेसिफिक घटनाओं को आप लेते हैं ठीक है प्रश्न के वक्त आगे से हट जाया करो बिल्कुल हट जाती हूँ मेरी आदत हो गई है वो ऐसे हम किचिन ट्रेनिंग में पढ़ते थे ना ऐसे घूम घूम के चल चल के पढ़ाने की बट मैं हट जाती हूँ लोग आप कहो दुनिया से जाए और बताओ तो अगर हम बात करें क्वेश्चन पढ़ लो बिल्कुल हट जाती हूँ सेलेक्टिंग वर्क टू बी इंक्लूडेड इन द पोर्टफोलियो ऑन द बेसिस ऑफ अ स्पेसिफिक रीजन यानी विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन कि इन इन चीजों को पोर्टफोलियो में डालेंगे इनको नहीं डालेंगे सेलेक्ट करेंगे ठीक है सेलेक्टिंग ऑल आइटम्स ऑफ वर्क ऑफ अ स्टूडेंट टू बी पुट इन पोर्टफोलियो भैया सारी बातें नहीं आती है एक बच्चे की पोर्टफोलियो में फिर वो पोर्टफोलियो नहीं बचा ना मान लीजिए आप गए एक फोटोग्राफर के पास और आपने कहा एक बढ़िया पोर्टफोलियो बनवाना है मॉडलिंग में जाना है हमें तो मॉडलिंग करनी है अब जितने भी फोटोज ने लिए वो सब आप भर के ले गए जबकि आपको अच्छे अच्छे फोटोज लेके जाने थे है ना जिसमें आप खा रहे हैं पी रहे हैं, बहुत बुरी शक्ल बना रहे हैं जीभ निकली हुई है वो भी डाल दिया आपने पोर्टफोलियो में जबकि आपको स्पेसिफिक आइटम्स डालने थे तो ये तो हट जाएगा कि सारे आइटम को हम सेलेक्ट नहीं करते पोर्टफोलियो में स्पेसिफिक आइटम्स आते हैं मेकिंग चाइल्ड सेलेक्ट हर और हिज वर्क टू बी पुट इन पोर्टफोलियो यानी बच्चे को भी आप इंक्लूड कर लेंगे जब आप पोर्टफोलियो बना रहे होंगे तो कुछ उसके भी विचार जान लेंगे इससे क्या होगा टीचर और बच्चा दोनों इन्वॉल्व होंगे काम में यानी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन हो जाएगी डी ऑप्शन है कलेक्टिंग रेंज ऑफ स्टूडेंट वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसा नहीं है एक दिन आप गए बच्चे की जो अच्छी बुरी बातें दिखी डाल दिया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप ऑब्जर्व कर रहे हैं जो जो चीजें आपको लग रही है जरूरत लग रही है डालने की उनको आप एड कर रहे हैं तो सिर्फ बी ऑप्शन हमें यहाँ नेगेटिव लग रहा है और हमें तीन ही ऑप्शन चूज कर सकते हैं तो ए सी और डी जहां पे भी बी है उसको हटा देंगे बी हटा दिया यहां से भी हटा दिया ए और डी सिर्फ नहीं होंगे क्योंकि सी भी सही है कि बच्चों को इंक्लूड करें तो ए सी डी इज द राइट आंसर डी ऑप्शन सही है बाकी उतने सही नहीं है जितना डी सही है क्वेश्चन नंबर याद रखना है आंसर चूज करते समय कि जो एकदम फालतू फालतू एग्जांपल मैंने आपको दिया हुआ है है ना शादी करने जाते हैं लोग बेस्ट इंसान का चयन करने की कोशिश करते हैं तो आपको चार ऑप्शन में से बेस्ट चूज करना है जो बाकियों से बेस्ट हो, हो सकता है चारों सही हो पैटागोजी में ऐसा भी होता है टाइम्स बट आपको बेस्ट चाहिए ठीक है जिससे एक नंबर मिलेगा

प्रीति ये मजाक उड़ा रहे हो हैं ऐसे करोगे मैं चंपू बन के घूम रही हूं तो यार मुझे ऐसे बुरा फील मत कराओ यार मैं रो नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरे को फर्क नहीं पड़ता एटलीस्ट पे तेलंगाना कह रही है तेलंगाना से है अच्छा प्रीति टू है है मीडियम की की लिखने ठीक किसकी बट बहुत अच्छा लगा पढ़ के धन्यवाद शिवानी ओके धन्यवाद शिवानी चलिए आ जाइए क्वेश्चन एटीन देखिए एनसीएफ के अकॉर्डिंग कौन सी एक बात सही है ट्रू है अगर यहाँ नॉट लिखा होता तो आंसर चेंज हो जाता अबाउट सिलेबस ऑफ ईवीएस

समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं तो भी बता दीजिए समझ पा रहे हैं तो भी बता दीजिए हम लोग जुड़े हुए हैं कितने उन्नीस हजार लोग हम लोग जुड़े हुए हैं चलिए आगे बढ़ते हैं बारह हजार लोगों को सेशन पसंद आया है सिलेबस के 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 बारे में ईवीएस एनसीएफ अकॉर्डिंग क्या सही है तो ईवीएस सिलेबस इज प्रेजेंटेड एज इंटीग्रेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड सोशल साइंस ना 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 मुन्ना ना तीन सब्जेक्ट है जिनका इंटीग्रेशन है ये तो सिर्फ ई एनवायरमेंटल एजुकेशन एक हो गया और सोशल साइंस दूसरा हो गया नहीं चल पाएगा ईवीएस सिलेबस इज अ थीमेटिकल इंटीग्रेशन ऑफ सोशल साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन अगेन तीन सब्जेक्ट हैं दो सब्जेक्ट का इंटीग्रेशन यानी एकीकरण नहीं है दो सब्जेक्ट नहीं है मिले हुए ईवीएस में तीन सब्जेक्ट हैं चलिए आगे बढ़ते हैं ईवीएस इज इंटीग्रेशन ऑफ साइंस एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन अब सोशल साइंस को खा गए इस बार ये तो दो ही सब्जेक्ट बचे फिर से डी ऑप्शन है ईवीएस सिलेबस इज द इंटीग्रेशन ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन बिल्कुल सही बात है और उसके बाद सोशल साइंस सही बात है और साइंस सही बात है तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर कि ईवीएस का जो पाठ्यक्रम है उसमें विज्ञान सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है यानी इंटीग्रेटेड एजुकेशन की बात करता है एनसीएफ के सब्जेक्ट्स को एक साथ जोड़ करके पढ़ाया जाए क्योंकि बच्चे छोटे हैं जब हम थर्ड टू फिफ्थ की बात कर रहे हैं प्राइमरी लेवल पे बात कर रहे हैं थर्ड टू फिफ्थ भी हटा दें अगर तो ईवीएस के बारे में कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए तो थर्ड टू फिफ्थ पे क्या होता है एक तो इंटीग्रेटेड फॉर्म में हम ईवीएस पढ़ा रहे हैं यानी एकीकृत रूप में क्योंकि बच्चा छोटा है तो उसको डराएंगे नहीं बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ा पढ़ा करके हम क्या करते हैं ईवीएस ईवीएस के थ्रू ही ही या EBS में ही क्या पढ़ा देते हैं तीन सब्जेक्ट का एकीकरण है है ना ईवीएस में तीन सब्जेक्ट का समायोजन है एक तरह से ठीक वो तीन सब्जेक्ट कौन से हैं एक है एनवायरमेंटल एजुकेशन खुद या एनवायरमेंटल स्टडीज कह देते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज या एजुकेशन यानी ईवीएस पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण विज्ञान नहीं है क्योंकि छोटा बच्चा है तो पर्यावरण अध्ययन कहते हैं ईवीएस की फुल फॉर्म एनवायरमेंटल एनवायरमेंटल स्टडीज है 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 साइंस नहीं याद रखिएगा एक नंबर का क्वेश्चन आता ठीक है ना पूरे सब्जेक्ट का वन शॉट वीडियो अभी बनाएंगे seated, जिन्होंने भी पूछा क्वेश्चन टेंशन मतलब दो चार दिन में शेयर कर दूंगी सारी स्ट्रेटी इसके अलावा साइंस दूसरा सब्जेक्ट है यानी बच्चों को जो साइंस का ज्ञान है वो भी आप ईवीएस के थ्रू ही देंगे ऐसा क्यों करते हैं उस पर भी आएंगे और सोशल साइंस

तो इसलिए ईवीएस को हम एनवायरमेंट में पढ़ा रहे हैं जब बच्चा प्राइमरी क्लास में है है ना क्योंकि वो एनवायरमेंट को कैसे देखता है होलिस्टिक रूप में देखता है है ना सर्वांगीण रूप में देखता है वो एकीकृत रूप में देखता है तो हम उसको ऐसे ही पढ़ा रहे हैं ठीक क्या है होलिस्टिक रूप में देखता है ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है इसलिए हम ऐसे ही पढ़ाते हैं होलिस्टिकली इंटीग्रेटेड फॉर्म में जिसमें ईवीएस के अंदर एनवायरमेंटल स्टडीज या एनवायरमेंटल एजुकेशन यानी पर्यावरण शिक्षा भी आती है विज्ञान भी इसी से जुड़ा हुआ है इसलिए आप देख रहे हैं कुछ टॉपिक्स में साइंस वाले हैं जैसे हम इन्वेंशन की बात कर रहे हैं तो किसने इन्वेंट किया क्या है और भी इस तरह की चीजें हैं सोशल साइंस के भी कुछ टॉपिक्स हैं जो सोसाइटी से रिलेटेड अनटचेबिलिटी है इस तरह के आप जब एनसीआरटी पढ़ते हैं तो मिलते हैं और ईवीएस के भी हैं तो इसमें तीन सब्जेक्ट इंक्लूडेड हैं एक और चीज है आपकी वो दूसरा पॉइंट क्या है कि हम ईवीएस का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया एनवायरमेंटल स्टडीज है साइंस नहीं है दूसरा फर्स्ट और सेकेंड क्लास में फर्स्ट एंड सेकेंड क्लास में ईवीएस की कोई टेक्स्ट बुक नहीं है नो सेपरेट टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस नो सेपरेट टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस नो सेपरेट टेक्स्ट बुक ऑफ ईवीएस यानी ईवीएस की कोई अलग से किताब नहीं है क्यों क्योंकि हम मैथ्स और लैंग्वेज के थ्रू ही ईवीएस को पढ़ा देते हैं मैथ्स और लैंग्वेज से जोड़ करके ही हम एनवायरमेंट के प्रति अवेयर करा देते हैं बच्चों को क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है फर्स्ट और सेकेंड क्लास की बात चल रही है तो अलग से ईवीएस की कोई बुक नहीं होती ठीक है ना EBS की कोई टेक्स्ट बुक नहीं होती इन तीन चार बातों से आपके कई क्वेश्चन बनते हैं हर साल बनते हैं एक वो थीम वाली बात हो गई अगर ये सेशन आपने एकमात्र अच्छे से देख लिया है है आपके पेडागोजी के क्वेश्चन बहुत रेयर कि गलत होंगे ठीक है ना एक सेशन से अब इससे ज्यादा क्या लोगे बच्चे की जान लोगे तो डी ऑप्शन सही है कि सिलेबस जो है वो इंटीग्रेटेड है एनवायरमेंटल एजुकेशन सोशल साइंस और साइंस यानी तीन सब्जेक्ट इसमें इंक्लूडेड है क्यों क्योंकि बच्चा एनवायरमेंट को एक रूप में देखता है अलग अलग तोड़ के नहीं ठीक क्या समझे अब देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर इसलिए हम प्रॉपर डिटेल में चर्चा कर रहे हैं जल्दीबाजी में बिल्कुल नहीं चल रहे है आज क्योंकि अगर आपने एक सेशन अच्छे से समझ लिया आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में आसानी हो जाएगी बहुत बड़े आनंदम आपके कब मिलेंगे नोट्स जल्दी मिलेंगे यार ऐसे लाल पीले मत हुआ करो मैं डर जाती हूं यार दिल कमजोर है मेरा देखो

और जा जा करके सर्वे करो घर घर नोट करो किसके घर में कौन सा ईंधन यूज होता है वो कैसे खाना बनाते हैं ठीक है, हमने भी डिस्कस की थी. होती है जिनसे बच्चे की सोचना एक्सप्लोर करने की बेहतर होती है में, में यूज की जाती है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स इमेजिनेशन सारी जो स्किल्स हैं प्रेडिक्ट करना किसी एक्सपेरिमेंट को करते समय रिपोर्ट करना ये सब प्रोसेस स्किल्स का हिस्सा है तो कौन सी प्रोसेस स्किल्स बच्चे के अंदर डेवलप होंगी जब वो ये सर्वे करेगा तो सर्वे करते समय वो हाइपोथेसाइज करेगा कि उसने परिकल्पना की होगी नहीं आप आपकी शक्ल देख के लग रहा है आप ना फलानी गैस पे खाना बनाते होंगे है ना आपके यहाँ तो बढ़िया वाली गैस होगी जो दिखने में सुंदर होगी या फिर आपके यहाँ तो चूल्हा होगा आपकी शक्ल पे लिखा है ऐसे थोड़ा ना करेगा बच्चा पहले से परिकल्पना कर लेगा वो तो जाके रिकॉर्ड करेगा तब पता लगेगा ना कि सर्वे में क्या है क्या नहीं सर्वे में पूछा जाता है ना भाई आप देखते हैं जनगणना भी एक तरह का सर्वे है क्या आप पूछते हैं आपके घर में कितनी चीजें कितने मेंबर हैं क्या है अपनी मर्जी थोड़ा ना बता देंगे अच्छा आपको देख के लग रहा है आंटी आपके पांच बच्चे होंगे है आंटी कहीं भग जाए यहां से ठीक फिर बी ऑप्शन है क्रिटिकल थिंकिंग क्रिटिकल थिंकिंग यानी समालोचनात्मक चिंतन आपको एनालाइज थोड़ा ना करना है कि क्रिटिकल थिंकिंग लगे कि आपको सिर्फ रिकॉर्ड करना है ठीक सर्वे में रिकॉर्डिंग बिल्कुल सही बात है सौ प्रतिशत सर्वे में आप रिकॉर्ड करते हैं कि क्या डेटा आपको मिला वो डेटा रिकॉर्ड करेंगे एंड लिसनिंग स्किल्स सामने वाले की बात आप सुनेंगे कैसे कर लेंगे आप है तो रिकॉर्डिंग और सुनने के कौशल तो सी ऑप्शन right सर्वे के थ्रू डेवलप होंगे क्रिटिकल थिंकिंग में कोई बहस हो रही होती डिबेट होती किसी टॉपिक पे चर्चा होती तो ये हो जाती कोई एक्सपेरिमेंट होता तो हाइपोथेसिस भी आ जाता ठीक तो डिपेंड करता है कि क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी देखिए और जवाब दीजिएगा व्हाट आर दी इसल एलिमेंट्स ऑफ कंटिन्यूस असेसमेंट फॉर लर्निंग अब ये सीडीपी का ही क्वेश्चन है कि कौन से महत्वपूर्ण तत्व हैं जो सतत मूल्यांकन के लिए प्रयोग किए जाएंगे सतत मतलब लगातार ऐसा नहीं है कि पेपर साल में दो बार होगा और तब डरे हुए बच्चे आए रट्टा लगा के आ जाएं। नॉर्मली भी आप उनको कंटिन्यूअसली भी असेस कर रहे हैं जांच रहे हैं देखने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चा कैसे सीख रहा है और अलग अलग एक्टिविटीज में उनको ऑब्जर्व करके रिकॉर्ड कर रहे हैं ठीक है क्लियर नहीं दिख रहा है नेहा कह रही है आप अपनी आंखें धो लीजिए निकाल के थोड़ा साफ करके वापस लगा लीजिए <laughs> मतलब कई बार क्या होता है मैं डाउट लेने के लिए कमेंट कौ पढ़ती हूँ और इतना फनी कमेंट आ जाता है सामने कि मुझे ऐसे आ जाती है कि मैंने फ्लो खराब किया ताकि आपका डाउट ले सकूं और आप लोग ऐसे डाउट पूछते हो कि क्लियर नहीं दिख रहा है तो वहां से अपना ठीक कर लीजिए जो सेटिंग में ऑप्शन होगा क्लियर दिख जाएगा है ना ठीक है टाइम टेबल बना के सब्जेक्ट वाइज पढ़ा देंगे मनीषा एक क्लास तो ले लो अभी जो चल रही है मैं पढ़ा दूंगी एक आध दिन दो ना मैं प्लान बना रही हूँ उसके हिसाब से आगे <laughs> तो इतने खतरनाक क्वेश्चन पूछते हो यार बताओ एक बार जल्दी बताओ आंसर करो बड़ा सा क्वेश्चन है क्या पूछा है हमसे क्या पूछा है बताओ बताओ हमसे पूछी हैं दो चार बातें वो है कि कौन सा तरीका कॉन्टिन्यूस असेसमेंट यानी निरंतर आकलन के लिए सही है सतत मूल्यांकन के लिए सही है इट इज यूज फॉर पासिंग जजमेंट बिल्कुल भी नहीं सीसीई जो पूरा सिस्टम है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का वो जजमेंट के लिए नहीं है हम जजमेंट या बच्चों करते उसका आकलन इसलिए किया जाता है कि उसकी क्या स्ट्रेंथ क्या वीकनेसेस कैसे उसको और बेहतर करेंगे बी ऑप्शन है इट हैज टू बी बिल्ट इन टू दी लर्निंग सिचुएशन ये बात सही है कि सीखने की स्थितियों में ही निहित कर ले हम बच्चे का आकलन तो डेली बेसिस पे कंटिन्यूसली हम उसको असेस कर पाएंगे जब वो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हो होमवर्क कर मतलब क्लास वर्क कर रहा हो कुछ और कर रहा हो तो उसको वही

ये हो रहा है तो वो रिफ्लेक्ट करेगा वो सेल्फ रिफ्लेक्शन करेगा और हाँ आज कोल की शिकायत नहीं है ना वेरी गुड तो ये सह शिक्षार्थियों को अपने काम की निगरानी और सुधार करने की कोई गुंजाइश नहीं मिलेगी मिलेगी आपस में बच्चे देख पाएंगे मॉनिटर कर पाएंगे कितना वो सीख रहे हैं कहा कमी है तो ए ऑप्शन गलत था बी और सी सही है यहाँ ए और डी गलत है तो बी और सी का ऑप्शन है यस सी ऑप्शन में सही दिया हुआ है तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन पर समझेंगे

पर्पज ऑफ इन्वाइटिंग लोकल आर्टिशन आर दी फॉलोइंग एक्से को बुला रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति को जो लोकली काम करता है उस चीज में में उसका रीजन क्या है इसको community resource बोलते हैं कि जो community में लोग हैं काम कर रहे हैं उनको आप एग्जाम्पल के लिए क्लास में बुलाते हैं और फिर उनसे बच्चा सीखता है क्योंकि वो रियल लाइफ एग्जाम्पल होगा ठीक है ना हाँ देखो एहसान आलम कह रहे हैं कि सब हलवा क्वेश्चन करा रहे हो मुश्किल क्वेश्चन कराओ है ना पेपर में आसानी आते हैं नाइन्टी क्वेश्चन लेकिन इनको करने हैं मुश्किल क्वेश्चन है ना इसमें वराइटी है पेपर ऐसा ही आता है सिलेबस यही है बस इसी को बातों को थोड़ा सा बदल के कह दिया जाएगा इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी दिख जाएंगे आपको ठीक लेकिन हमें कोई मतलब नहीं है हमें करने मुश्किल क्वेश्चन क्योंकि किसी गुरुजी या गुरु माँ ने समझा दिया है कि तुम तो पेपर में सिर्फ मुश्किल क्वेश्चन करके जाओ जबकि 90 परसेंट क्वेश्चन ईजी आएंगे या मॉडरेट आएंगे 10 परसेंट भी मुश्किल क्वेश्चन होते हैं वो 10 परसेंट भी आपको ज्यादा बता रही हूँ जो मुश्किल सच में होते हैं जो जिनका लेवल हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल वाला होता है लेकिन क्या कर सकते हैं देखिएगा समझते हैं खैर अगर हम बात करें कि कौन सा एक पर्पज नहीं होगा एक लोकल आर्टिशन को बुलाने के लिए और एक वर्कशॉप अरेंज कराने के लिए लर्नर्स अप्रिशिएट हर स्किल्स एंड नॉलेज सही है कि भाई उसके जो कौशल है उसको सराहना करेंगे इंप्रेस होंगे देख के हो सकता है लर्नर एप्रिशिएट दी टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व इन दी टाई एंड डाइंग

कुल को बुलाया जा रहा है ताकि टाई एंड डाई वर्कशॉप रखवाई जाए इनडायरेक्टली सीख जाएंगे बट पर्पज नहीं है क्योंकि हमसे ये पूछा था पर्पज क्या नहीं है ठीक है सीटेड अपने आपने आपने आसान हैं, बट फिर भी ज्यादातर लोग सत्तर अस्सी परसेंट के करीब आई थिंक पहले तो और खतरनाक स्थिति थी फेल ही होते हैं उसका रीजन यही है कि हम इसके अप्रोच को नहीं समझ पाते हम पेडोलॉजी नहीं समझ पाते हमको करने हैं मुश्किल क्वेश्चन है ना क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेकेंड देखिए तीस क्वेश्चन है टोटल और ये जो पेडोलॉजी है इसलिए कहा जाता है कि अगर आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट इन है तो आप इन सभी तो भर दो। दोनों पेपर भर दो फिर देखो अगर हम बात करें मेहर हैज फ्यू स्टूडेंट्स इन क्लास बीन डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर नेटिव प्लेस नेटिव प्लेस क्या है जो हमारी मेन जगह थी जो हमारा मूल स्थान था जिस जगह से वो बच्चे थे उनको डिस्प्लेस किया गया है वो इधर उधर चले गए मेहर जो कि एक टीचर हैं उन्होंने ये नोटिस किया है कि कुछ बच्चों को कुछ ऐसे बच्चे हैं जो डिस्प्लेस्ड होकर के आए हैं अपने नेटिव प्लेस से हट के आए मान लीजिए बिहार से थे बट अब उनको दिल्ली भेजा गया या किसी और जगह से थे जहां पर नेचुरल डिजास्टर आ गया भगवान ना करे आए बट आता है ऐसा होता है उत्तराखंड से थे मान लीजिए तो नेचुरल डिजास्टर वहां हुआ और बच्चों को डिसलोकेट करना पड़ा इधर उधर जाना पड़ा अपना नेटिव प्लेस छोड़ के अपना मूल निवास छोड़ करके एंड हैव प्रॉब्लम्स एडजस्टिंग इन स्कूल एनवायरमेंट क्योंकि अब वो दूसरी जगह आ गए हैं तो उनको एडजस्ट करने में उस एनवायरमेंट में दिक्कत आ रही है जो कि स्वाभाविक है बच्चों को आएगी अगर नई जगह अचानक से भेज दिया जाएगा अपनी जगह छोड़ करके तो हम एक दिन दूसरे के घर चले जाए तो नींद नहीं आती कई बार है ना इस, इस स्थिति में तो ही अलग हैं। तो चीजें अलग है एज ईवीएस टीचर यू वुड आप ईवीएस आप ए, एक टीचर के रूप में क्या करेंगे ये बताइए बी पेशेंट सो दैट दे ने टाइम यानी धैर्यवान रहेंगे ताकि वो स्वाभाविक रूप से समय के साथ समायोजित हो जाएं। चलो हो सकता है लेकिन हमें बेस्ट ऑप्शन चूज करना है मेक अ ग्रुप ऑफ ओनली डिस्प्लेस्ड एंड गिव ग्रुप वर्क होता है एबिलिटी ग्रुपिंग जो आपको नहीं करनी चाहिए कि आपने आपने एक एक जैसे बच्चों को ग्रुप में में डाल दिया दिया उससे क्या क्या होगा वो mix -up ही नहीं हो पाएंगे क्लास में. आपने उनको segregate कर दिया, और segregation क्या है अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर अलगाव प्रकृति के नियमों के खिलाफ है बच्चों को घुल मिलकर है सी ऑप्शन है एनकरेज एक्सेप्ट डिस्प्लेसमेंट एज अ फैक्ट इमीडिएटली एंड मूव ऑन मतलब क्या क्या क्या, क्या कहें हैं आप या फिर वो भी नहीं कहते ऐसी बात तो और या फिर क्या कहे आप मतलब कोई रिलेशनशिप एडवाइजर हैं आप कि भैया ब्रेकअप हो गया मूव ऑन कर लो अब तो बस हो गया ये तो ट्रेजेडी तो हो ही गई ना बच्चे हैं सरकार है ना तो उन्हें एक तथ्य के रूप में विस्थापन को तुरंत स्वीकार करने को कहेंगे इट्स अ फैक्ट हो गई ना आगे वहां पर दिक्कत हो गई और अब आगे बढ़ जाओ ये छोटे बच्चों के साथ तो एटलीस्ट नहीं करेंगे या किसी के साथ भी नहीं करेंगे थोड़ा टाइम तो देंगे समझने के लिए ठीक तो डी ऑप्शन है हेल्प देम मोर विद अदर स्टूडेंट्स एंड शेयर देयर स्टोरीज बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव और बच्चे के पक्ष में बच्चे के इमोशंस को कहा समझा जा रहा है डी ऑप्शन में सबसे ज्यादा बच्चे को कहा एक्सेप्टेड फील होगा डी ऑप्शन में ए ऑप्शन गलत नहीं कहेंगे कि आप पेशेंट रहें ताकि बच्चा नेचुरली एडजस्ट कर ले बट आप भी तो कुछ करेंगे बच्चा ही सब कुछ करेगा नेचुरली तो आपका कुछ करना डी ऑप्शन में शामिल है कि एज अ टीचर आप क्या करेंगे उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ घुलने मिलने का बातचीत करने का मौका देंगे उनकी कहानियों को साझा करने का मौका देंगे क्योंकि हम जब हम एक्सप्रेस करते हैं क्योंकि मैन इज अ सोशल बींग या मनुष्य क्या है एक सामाजिक प्राणी है तो हमें ग्रुप्स में या एक दूसरे के साथ शेयर करके अभिव्यक्त करके अच्छा लगता है ठीक तो हम इमोशनली बच्चा सेफ फील करेगा एक्सेप्टेड फील करेगा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थर्ड पर देखिएगा क्या, क्या कहता है द रैशनल फॉर यूजिंग कम्युनिटी एज अ रिसोर्स ये एक टॉपिक है कम्युनिटी रिसोर्स कहा जाता है यानी समुदाय क्या है संसाधन के रूप में यूज हो जो भी कम्युनिटी में प्रेजेंट है आपकी जो भी समुदाय में प्रेजेंट है उसको आप एक संसाधन के रूप में यूज कर पाए एज अ टीचर वो बेस्ट चीज हो जाती है जैसे किसी के पिताजी अगर डॉक्टर हैं तो उनको एक दिन कोई ऐसा टॉपिक पढ़ाने के लिए या बताने के लिए बीमारियों के बारे में जागरूक करने के लिए बुला लिया जाए तो बच्चे ध्यान से सुनेंगे और वो क्या है उस बच्चे के पिताजी क्या है एक कम्युनिटी रिसोर्स है क्योंकि वो कम्युनिटी का ही एक हिस्सा है लेकिन वो संसाधन के रूप में यूज हो रहे हैं बच्चों को सिखाने के लिए और रियल लाइफ से जोड़ करके सिखा देंगे किसी के पिताजी फार्मर हैं तो उनको बुला लिया पुष्पांजलि कोई कह रहा है हां अन्प्लॉयमेंट है बिहार में बट इसका मतलब ये नहीं कि बात बार बार आप बिहार को टारगेट करें सुषमा क्या करें यार ऐसे लोगों का कहां से इतनी फुर्सत मिल रही आपको है आपको जीवन में फोकस करना चाहिए पढ़ाई पे अब कोई तो एग्जांपल दुनिया का इंसान देगा या नहीं बिहार मुझे पर्सनली बहुत पसंद है है ना इसलिए बार बार बिहार याद आ जाता है मुझे लगता है वहां के लोग बहुत मेहनती होते हैं और लोग वहां से बहुत आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं संघर्ष करते हैं और बहुत ही भले भी होते हैं ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरे को ऐसे कई लोग मिले हैं बचपन से मेरा कोई ताल्लुक रहा नहीं बिहार के बारे में कभी सुना नहीं था मिली नहीं थी बट डेली आई तो यहाँ हर तरह के लोग हैं तो मिलना शुरू हुए लेकिन क्या करें हम हमारा परसेप्शन ऐसा है एज टीचर्स हमारे अंदर इतनी घृणा भरी हुई है आजकल इंटरनेट पे या लोगों जो भी जितने भी लोग हैं बहुत सारे लोगों में तो उनको हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढनी है कि अच्छा दो बार ये शब्द बोल दिया इसका मतलब ये होगा अरे भाई टीचर्स पढ़ाते समय देते हैं सत्तर तरह के देते हैं जो मन में आ जाता है वो दे देते हैं है? तो समुदाय संसाधन के रूप में उपयोग करने का औचित्य है यानी जब आप समुदाय को एक संसाधन के रूप में यूज कर रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है फर्स्ट ऑप्शन है इट हेल्प्स एक्सेप्ट ऑल नॉलेज इन द कम्युनिटी अनक्रिटिकली समुदाय अनायास स्वीकार करने में मदद करता है ऐसा नहीं है कि आप अनक्रिटिकली क्रिटिकल छोड़ देंगे कोई समझाने आ रहा है तो ये तो नहीं होना चाहिए बी ऑप्शन है ऐसा नहीं होता किसी भी नॉलेज को बिना क्वेश्चन किए बच्चों को भर नहीं लेना है फिर तो वो टीचर सेंटर्ड या अथॉरिटी सेंटर्ड हो जाएगा कम्युनिटी इट सेल्फ एज स्टेक इन देयर चिल्ड्रन लर्निंग एंड नीड्स टू बी इन्वॉल्व ये बात बिल्कुल सही है कि समुदाय का भी अपनी हिस्सेदारी है भागीदारी है बच्चों को सिखाने में इसलिए उनका भी इन्वॉल्व होना जरूरी है बच्चा एक तो रियल लाइफ से जुड़ेगा दूसरा समुदाय उनको कुछ सिखा पा रहा है तो सोसाइटी के लिए तो बन रहा है ना लर्निंग एक सोशल एक्टिविटी है ठीक डी ऑप्शन है कम्युनिटी इफ नॉट इन्वॉल्व विल बी ऑफेंडेड ये कोई सेंस नहीं है कि भैया नाराज हो जाएगा अगर समुदाय को नहीं इन्वॉल्व किया तो पॉजिटिव तो ऑप्शन क्या है सी ठीक फोकस हमें पॉजिटिव पे करना, है, बच्चे की भलाई पर करना है।, है और चार पांच क्वेश्चन बचते हैं ट्वेंटी फोर्थ क्वेश्चन क्या है टीचर है उन्होंने अपने लर्नर्स से पूछा ड्रॉ ऑफ देयर क्लासरूम उनका जो क्लासरूम है जिसमें वो है एक मैप बनाए उनका दिस एक्टिविटी विल हेल्प इन डेवलपिंग भाई कहां से ब्राह्मणा है यानी कहां से आपका वो कॉरिडोर है कहां सीढ़ियां जाती हैं मेरी ड्राइंग तो खैर खतरनाक है तो ड्रॉ करने को कहा उन्होंने कि अपने क्लासरूम का या अपने स्कूल का एक मैप बनाओ बताइएगा तो पहला ऑप्शन है स्किल्स ऑफ प्रेडिक्टिंग एंड कैलकुलेटिंग यानी पूर्वानुमान और गणना के कौशल कैलकुलेशन थोड़ी ना होती है मैप में है प्रोडिक्ट क्या करोगे वो तो पहले से बताया आपको रिकॉर्डिंग डेटा रिकॉर्ड नहीं करना आपको खुद इमेजिन करके बनाना है Understanding of relative positions and orientations. ये बात बिल्कुल सही है देखिए जब भी मैप की बात आए तो एक वर्ड लिखा हुआ रिलेटिव पोजीशन ऐसा मैथ्स के क्वेश्चन में भी होता है ऐसा ईवीएस के क्वेश्चन में भी होता है मैप पे क्वेश्चन आता है इस तरह का कि मैप से फायदे क्या होते हैं बच्चों से मैप बनवाने से तो अभिविन्यास और सापेक्ष स्थिति की समझ कि भैया कौन सी चीज कहाँ होगी वो रिलेटिव पोजिशन समझ पाएगा कि इधर से आता हूं तो सीढ़ियां यहां पड़ती हैं इस दिशा में मेरा ये कॉरिडोर है इस दिशा में क्लासरूम है और इस क्लासरूम के बराबर में ये वाला रूम है या प्रिंसिपल रूम ये है फर्स्ट फ्लोर है सेकेंड फ्लोर है तो रिलेटिव पोजिशन को समझ पाएगा अपने दिमाग

मत आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए सही बात है लर्नर आपने नाम भी बिल्कुल अच्छा रखा है और मैं तो लीस्ट रूढ़ी वाली इंसान हूँ मेरे पर्सनल बिलीफ एक दो हूँ भाई हर इंसान के हो सकते हैं वैसे भी उसमें स्टीडियो खैर शामिल नहीं है बट जेंडर सेंसिटिव और नॉन स्टीडियो इंसान हुआ पर्सनली तो आप ऐसा कभी ना सोचें ठीक बहुत हर्ट हो गई मैं आंसू दिख नहीं रहे हैं आपको देखिएगा खैर अगर हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्या पाठ्य चर्या के करिकुल हाँ, करिकुलम में तो पाठ्य चर्या ही होगा चर्चा भी नहीं पाठ्य चर्चा के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है यानी करिकुलम किस एक प्रिंसिपल के आधार पर नहीं बनाना चाहिए यानी बच्चों की भलाई की बात कौन सा एक ऑप्शन नहीं कर रहा सिंपल है पहला ऑप्शन है कनेक्टिंग स्कूल नॉलेज टू आउटसाइड वर्ल्ड यानी रियल लाइफ से कनेक्ट कर दो तो ये तो अच्छी बात है हमें तो नॉट पूछा है एंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट फ्रॉम रोट मैथ ये भी बात सही है कि रटने से शिफ्ट हो जाए मीनिंगफुल लर्निंग ये कहीं नहीं पेपर को डी करिकुलम सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स ये बात बिल्कुल सही है कि हम ये इंश्योर करें हम ये सुनिश्चित करें कि पाठ्यचर्या समृद्ध हो और ये किताबों से बाहर जाए रियल दुनिया में जाए है ना बियॉन्ड टेक्स्ट बुक सिर्फ बुक को टेक्स्ट बुक को ही हम सर्वोसर्वा ना मान लेंट बुक क्या है वन ऑफ द रिसोर्स है है ये क्वेश्चन हर बार आता है। तो टेक्स्ट बुक सब कुछ नहीं है टेक्स्ट बुक के बाहर बहुत सारी दुनिया है चाहे आप फील्ड ट्रिप कराइए बच्चे को एक्टिविटी कराइए उससे डिस्कशन डिबेट जो मर्जी कराइए टेक्स्ट बुक एकमात्र संसाधन नहीं है एक संसाधन है बहुत सारे संसाधनों में से तो ये आंसर आपका यहां सही है सी ऑप्शन क्योंकि यही गलत है और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है परीक्षा को आसान बनाने की बात किसी भी करिकुलम में नहीं की गई फ्लेक्सिबल बनाने की या अच्छी रियल लाइफ से जोड़ने की बात की गई है आसान बनाना क्या होता है आसान तो अपने आप ही लगेगा अगर बच्चे को समझ में आ गया होगा तो मुश्किल तो वही लगता है ना जो समझ में नहीं आता क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स देखिए वाइल्ड असेसिंग लर्नर्स इन ईवीएस आर हैज टू अवॉइड यानी क्या हमको बचाना चाहिए देखिएगा टीवीएस में शिक्षार्थियों के आकलन करते समय बचना होगा किस चीज को अवॉइड करना चाहिए ये पूछा है वी हैव टू अवॉइड या समथिंग लाइक दैट होगा ये आर हैज टू क्या होता है ये इस बार सीटेट ने खूब गलतियां की हैं देखिएगा एक बार जवाब दीजिएगा फटाफट से जवाब दीजिएगा फिर आगे बढ़ेंगे माही व्लॉग आएगा वॉच और फोन को लेकर के वाह 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 चलिए नवल सिंह जवाब दे दीजिए अगर हम बात करें कि ईवीएस पढ़ाते समय या असेस बचना है, कौन सी चीज़ नेगेटिव है।, ये तो है। भाई वेराइटी ऑफ वेज तो इस्तेमाल करना चाहिए जानकारी एकत्रित करने के लिए विभिन्न तरीक, तरीकों का प्रयोग करें चाहे वो पोर्टफोलियो हो रिकॉर्ड्स हो या और बाकी डेटा हो बी ऑप्शन है इमीडिएट रिकॉर्डिंग ऑफ इवेंट फॉर रिच एक्यूरेट डिटेल्स यानी सटीक तरीके से हम डिटेल्स को रिकॉर्ड करें ठीक है यूजिंग ग्रुप वर्क एज बेसिस ऑफ असेसमेंट यानी ग्रुप वर्क बच्चों को ग्रुप में असेस करें ठीक है यूजिंग टेक्निकल लैंग्वेज ड्यूरिंग असेसमेंट ये बात सबसे खराब है टेक्निकल लैंग्वेज से बचना है आपको ईवीएस में फैमिलियर लैंग्वेज का यूज करना यानी परिचित भाषा जो बच्चे के एनवायरमेंट से जुड़ी हुई हो आप देखते हैं ईवीएस की की बुक्स बुक्स भी भी या एनसीईआरटी जितनी भी बुक्स हैं स्पेशली टू टू तक तक फर्स्ट फिफ्थ वो ऐसे लिखी गई हैं जो बिल्कुल बच्चों की भाषा में आम बोलचाल की भाषा में टेक्निकल वर्ड्स को अवॉइड करना होता है ये अच्छी टेक्स्ट बुक का लक्षण नहीं है इस पे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है तो टेक्निकल वर्ड्स को हमने अवॉइड करना है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन देखिए थोड़ा सा बड़ा सवाल है बट कर लेंगे आप मुझे भरोसा है तीन सवाल और हैं इसके बाद फिर आप अपने घर और मैं अपने घर वैसे तो आप अपने ही घर हैं अभी भी बट फिर भी ये डायलॉग थोड़ा अच्छा लगता है बोलने में तो बोल देते हैं बोलने में क्या जाता है ठीक है जी फटाफट से बताइए इससे पहले कि अब आप आपको नींद आ जाए और मुझे भी तो आप जवाब दे दीजिए ठीक जवाब दीजिए जवाब हम्म बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया नौ बजे डेली आएंगे पढ़ाई करेंगे मस्त तरीके से देखिएगा क्वेश्चन क्या है? है। यानी रोनाल्ड रॉस के बारे में एक कहानी है। अभी हम बात कर रहे थे ना मलेरिया पे इन्होंने रिसर्च की थी तो रोनाल्ड रॉस के बारे में कहानी है who received Nobel Prize मिला इनको मेडिसिन में 1902 के अंदर फॉर डिस्कवरी दैट मॉस्किटोज जो हैं वो मलेरिया फैलाते हैं पहले लोगों को लगता था पानी से मलेरिया फैलता है ठीक वाइल्ड वर्किंग इन हॉस्पिटल इन सिकंदराबाद इंडिया की ही बात है his details he details in his own words how he spent time chasing mosquitoes cutting sorry cutting open mosquitoes stomach and observing it under microscope What would be the purpose of including Ronald Ross story in EVS? भैया so, yeah, ये जो Ronald Ross की कहानी है जिसमें scientific चीजों के लिए उनको यहाँ पे Nobel Prize मिला ये क्यों add की गई होगी EVS में ये आपको पता लगाना है तो common sense से आप ये solve कर पाएंगे A option है to help learners understand about scientific

लिखें कलेक्ट करें ठीक है टू अप्रीशिएट हिस्ट्री ऑफ साइंस ये भी सही है कि साइंस की हिस्ट्री के बारे में बच्चे को पता लगेगा लेकिन बात ये है चारों में से कोई भी बहुत ज्यादा नेगेटिव हमें नहीं लग रहा लेकिन तीन ही ऑप्शन सही हो सकते हैं तो किसी एक को हमें हटाना होगा ठीक तो ये अंडरस्टैंड अबाउट साइंटिफिक प्रोसेस हाँ साइंस से ही रिलेटेड ये टॉपिक है क्योंकि साइंस भी हम ईवीएस में पढ़ाते हैं जोड़ करके इंस्पायर करेंगे लिखने के लिए कहानी लिखने की बात यहां कोई हुई नहीं है अगर लिखने के लिए इंस्पायर करना होता तो फिर कोई और चैप्टर हम पढ़ा सकते थे जरूरी नहीं है कि साइंस का चैप्टर कहानी लिखने के लिए इंस्पायर करे कर सकता है बट ये कमजोर लग रहा है ऑप्शन हमें एक्साइटिंग स्टोरी करेक्ट करे इसमें बच्चा ज्यादा एक्टिव है राइटिंग से ज्यादा अप्रो इसकी क्यूरियोसिटी बढ़ेगी हिस्ट्री ऑफ साइंस क्योंकि साइंस का ही टॉपिक है तो ये भी सही है तो कमजोर ऑप्शन हमें सिर्फ बी लग रहा है ये भी ऐसा नहीं है कि बहुत नेगेटिव है ये भी पॉजिटिव होता अगर ऑप्शन चारों का हमारे पास ऑप्शन होता तो ए सी डी सही होगा जो कि है बी ऑप्शन में तो बी ऑप्शन इज दी राइट आंसर आगे बढ़ेंगे थोड़े क्वेश्चन बड़े होते हैं पेडोगोजी में कई बार बट ईजी है

थीम है यात्रा यानी ट्रेवल इसको इंटीग्रेट करना है किस चीज में क्या पढ़ाते समय लैंग्वेज यानी भाषा जब वो पढ़ा रहे हैं क्योंकि लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के थ्रू ईवीएस पढ़ाया जाता है क्लास वन एंड टू में ठीक क्योंकि अलग से ईवीएस की नोटबुक टेक्स्ट बुक नहीं होती तो कौन सा एक रिसोर्स मोस्ट सुटेबल होगा ऑडियो विजुअल का इस्तेमाल करें ट्रेवल के लिए पोएम सुनाए ट्रेवल पे मॉडल्स ऑन मोड्स ऑफ ट्रेवल या ओन एक्सपीरियंसिस ऑफ ट्रेवल बहुत आसान है बच्चे के खुद के एक्सपीरियंस जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है जहां वो अपने आप को अभिव्यक्त करेगा अच्छा बच्चों बताओ गर्मियों की छुट्टी में कहाँ गए थे तो बच्चे को आ जाएगा मजा और वो बता देगा अपने एनवायरमेंट के बारे में भी और कौन सी कौन सी यात्राएं रही होंगी कोई बच्चे होंगे कुछ बेचारे हमारे जैसे जो सिर्फ नानी के घर ही जाते होंगे छुट्टियों में तो वो भी बता देंगे लेकिन बच्चों का एक्सपीरियंस से ऊपर कुछ भी नहीं है वो ऑप्शन बेस्ट है जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है अपने अनुभव अपने रियल लाइफ से जोड़ेंगे तो इन तीनों चीजों से ज्यादा एक्टिव बच्चा अपने अनुभव को शेयर करते समय होगा तो इसलिए डी ऑप्शन बेस्ट है बाकी तीन से क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन्थ देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये कहता है कि अ लर्नर इन योर ईवीएस क्लास शेयर्स हर ऑब्जर्वेशन अबाउट अ बैगर बॉय एक बच्चा है आपकी क्लास में जिसने एक भीख मांगने वाले बच्चे को पड़ोस के भिखारी लड़के के बारे में अपने अवलोकन को साझा किया कि उसने क्या ऑब्जर्व किया उस बैगर बॉय के बारे में इन हर नेबरहुड एंड वॉन्ट्स टू नो वाई हिज पेरेंट्स डू नॉट सेंड हिम टू स्कूल और अब वो जानना चाहता है कि वो बच्चा जो है वो भीख मांग रहा था तो, तो बच्चे के लिए तो बहुत ऐसी बात है जो उसने पहली बार देखी होगी तो उसने कहा मैंने अपने आसपास एक बच्चे को भीख मांगते हुए देखा और वो मेरी एज का था मान लो वो स्कूल नहीं जा रहा था ये बात वो क्लास में डिस्कस करना चाह रहा है कि उसके पेरेंट्स मैंने उससे पूछा कि उसके पेरेंट्स उसको स्कूल क्यों नहीं भेजते तो उस केस में जब हम बात करते हैं तो क्वेश्चन क्या है हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू द लर्नर्स एज अ टीचर आप बच्चों को या शिक्षार्थी को कैसे जवाब देंगे जब आप इस पोजीशन में हैं ऐसा टीचर लिसन बट स्टिक योर लेसन प्लान आप कहेंगे मैंने लेसन प्लान बना के आया हूं घर से मुझे इतने मिनट में ये चैप्टर कंप्लीट कर देना कोई फालतू बात तुम्हें करनी नहीं है ऐसा नहीं होता बच्चे की रियल लाइफ से आप सुनते हैं उसकी बात ठीक एक्सप्लेन कंडीशन ऑफ बेगर्स ऑल ओवर इंडिया अब आप सीधा कंडीशन बता देंगे क्लास अगर छोटी हुई तो आप सीधा सीधा कोई बच्चा अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा है आप सीधा सीधा कंडीशन समझा देंगे बड़ी दूरदशा है फिर आता है सी ऑप्शन डिस्कस द इशू सेपरेटली विद द लर्नर ये भी कोई जरूरी नहीं है बात वहां तक पहुंची नहीं है अभी हर एंड डिस्कस इट इन होल क्लास आपको समय बचाते हुए क्या करना है बच्चे को टैकल करना है और उसकी बात को सुनना भी है उसको एक्सेप्टेड भी फील कराना है क्लास में एक्नॉलेज यानी आपको इस बात को क्या करेंगे इस पर ध्यान देंगे एक्नॉलेज करेंगे हर ऑब्जर्वेशन जो उसने ऑब्जर्व किया और डिस्कस करेंगे फिर पूरी क्लास में अब ये जो बाकी की दोनों चीजें थी ये दोनों यहां आ गई कहां पे यहीं पे अब आप, आपका मन होगा तो इस डिस्कशन में आप सारी कंडीशन भी बता सकते हैं इशू पे बात भी कर सकते हैं सब कुछ हो जाएगा तो वो ऑप्शन बेस्ट है जो सबसे बेस्ट हो या फिर बाकी के को अपने अंदर इंक्लूड करता हो तो डी ऑप्शन में बाकी के दोनों ऑप्शन अपने आप ही आ गए कि आप एक डिस्कशन शुरू करेंगे इस टॉपिक पे क्वेश्चन नंबर थर्टीएथ देखिए क्वेश्चन नंबर थर्टीएथ क्या है भाई क्वेश्चन नंबर है गेम्स एंड रिडल्स यानी जो गेम्स हैं रिडल्स हैं पहेलियां हैं

यानी वो पैटर्न को समझ पाए कि जब ये पहली पूछी जाती है तो इस पैटर्न पे होती है है ना जा, जब ये खेल मान लीजिए वो खेल रहे हैं तो कोई एक पैटर्न होगा उसमें रूल्स को समझना हो चाहे चाहे वो रिडल्स को समझना हो ताकि बच्चे आंसर तक पहुंच पा रहे हैं वो रीजनिंग भी उनकी अच्छी होगी उससे ये बात थोड़ी ठीक लग रही है कि पैटर्न किससे रिलेटेड है रीजनिंग से रिलेटेड है दे आर इजी टू ट्रांजेक्ट इन क्लासरूम ऐसा नहीं है कि वो संपादन कर पाएंगे तो सबसे एक्टिव बच्चा यहाँ है जहां वो डिस्कवर कर पाएगा खुद से रिडल्स और गेम्स के थ्रू की क्या पैटर्न पे ये चीजें पूछी जा रही है और क्या पीछे का उद्देश्य है या किस टॉपिक से बात आ रही है तो अपनी थिंकिंग प्रोसेस भी लगाएगा इमेजिनेशन भी लगाएगा और पैटर्न को रिकॉग्नाइज कर पाएगा तो सबसे ज्यादा एक्टिव बच्चा सी ऑप्शन में तो आउट ऑफ थर्टी कितने क्वेश्चंस ठीक हुए वो आप बता दीजिए किसी को सी टेट के बैच में अभी भी एनरोल करना हो तो आप कर सकते हैं करियर डाउनलोड करके अभी डिस्काउंट तो है ही इसके साथ साथ रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएंगे किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में अगर आपको दिक्कत हो तो वहां से आप वो रिकॉर्डेड वीडियो देख सकते हैं ये पेडोगॉजी स्पेशल बैच है केवीएस वगैरह या प्लस भी के बाद की तैयारी के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आप करना भूल गए हो तो आप कर लीजिएगा ये पीडीएफ आपको विद आंसर्स मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर और इसके अलावा एक और चीज ये, ये जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं आप इनको अटेम्प्ट कर पाएंगे कहा करियर वेलैब पे फ्री ऑफ कॉस्ट नॉक टेस्ट देकर के क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है आउट ऑफ थर्टी कितने ठीक हुए वो आप कमेंट करके बताएंगे इस सेशन को समझने पे फोकस कीजिएगा वो जो पंद्रह क्वेश्चन पेडागोजी के किए हैं स्पेशली उनके कॉन्सेप्ट को समझिएगा क्योंकि पेडागोजी इन्हीं टॉपिक्स से आती है सिलेबस में यही टॉपिक्स हैं जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है ठीक है ना और किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पूछ सकते हैं अट्ठाइस सही है इक्कीस सही है बीके यादव के, के पच्चीस सही है रोहित के बहुत बढ़िया आपकी वजह से मेरा सीटेट फर्स्ट पेपर क्लियर हो गया थैंक्स डियर मैम बहुत बढ़िया हाँ बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि उन्होंने आज से ही पढ़ाई करी है हुँ. तो क्या वो, <laughs> तो कि तो वो लिख के ले लीजिए अभी जितने भी सेशंस आने वाले हैं अगर आप पढ़ के समझ पा रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं साथ में या सिर्फ सेशन भी देख पा रहे हैं और दिमाग में जा रही हैं ये चीजें तो हो जाएगा आपसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है पोल में आंसर करो क्वेश्चन भी मैं साथ साथ करा ही रही हूँ पास होने का अकाल नहीं पड़ेगा अगर आप थोड़ा सा समझ लेंगे चीजों को तो तो ऐसा नहीं है लोगों ने पंद्रह दिन पहले भी और सिर्फ मैराथन देख के भी ऐसे ऐसे लर्नर्स हैं जिन्होंने वो सेशंस किए हैं और मैं अभी थोड़ा सा और सुपर प्लान आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और नोट्स भी हो जाएंगे तो सिर्फ उन नोट्स वोट्स को पढ़ लेना एक्चुअली चक्कर क्या है कि अगर आपने मैं स्ट्रेटजी शेयर कर दूंगी वैसे सीडीपी हिंदी और इंग्लिश इन तीन सब्जेक्ट को अच्छा कर लिया जिनका सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं है तो मैं बड़े बड़े सेशन्स लेके अभी ये सब करा दूंगी डोंट वरी सीडीपी हिंदी इंग्लिश ईवीएस ये सब हम कर लेंगे मैथ्स का भी जो कुछ पार्ट है पेडोगलॉजी वाला वो हम कर लेंगे बाकी तो उधर सर बता ही रहे हैं आराम से हो जाएगा डोंट वरी है ना और विश्वास करके पढ़ना है क्योंकि सी टेट मुश्किल एग्जाम नहीं है सही तरीके से सही चीजें नहीं डिस्कस होती भटक जाते हैं आप कुछ और पढ़ने लगेंगे अब आप इंग्लिश पढ़ रहे होंगे और इंग्लिश में ग्रामर पढ़ने लग जाएंगे इस टाइम पे तो वो टाइम वेस्ट है क्योंकि ग्रामर के दो तीन क्वेश्चन मुश्किल से आते हैं वो भी पैसेज में आएंगे तो वो आप अंडरस्टैंडिंग से भी कर देंगे तो उससे अच्छा है कि आप पेटेगोजी पढ़ लें प्ले बनाई हुई है चैनल पर मैं अभी फिर से भी कराऊंगी अच्छे तरीके से कराऊंगी नए ढंग से कराऊंगी ठीक चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं कोई और बात हो आप कॉमेंट में पूछ लीजिएगा धन्यवाद आप सभी का कल मिलेंगे नौ बजे और आगे की बात करेंगे eligibility code को लेकर बहुत ज्यादा परेशान मत होइए जैसे उसमें लिखा है पास्ट और अपीयरिंग है ना past, पास आपने पास्ट लिखा है सेकंड ईयर में या तो आप सेकंड ईयर में हैं या पास्ट हैं तो जब आपको दिख रहा है कि इसमें ऑप्शन नहीं है फर्स्ट ईयर का तो वही चूज कर लो क्योंकि अभी ये चेंज हुआ है जो रूल है सीटेट वाले नहीं कर पाए होंगे चेंज उन्होंने भूल गए होंगे

ऐसा लग रहा है सच में जरूरत है तो लो फिर